मोंटी बाहर जाके देख, 10 मिनट हो गए हैं, वो शायद बाहर होंगे। नहीं नहीं नहीं, हम हमें यहीं हैं, अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए प्लीज। अगर डॉक्टर कॉल में देरी होगी तो कुछ भी हो जाएगा ना। नीति तू तो मेरी बात क्या नीति लगा के रखा हुआ है, कोई सफाई नहीं चाहिए तेरी। बहुत भरोसा था ना पम्मी को तेरे ऊपर, बहुत विश्वास था ना। क्या किया पम्मी इसने तेरे भरोसे का? भाई किसी को बुरा लगे तो लगे, कोई बात नहीं, पर फिर भी मैं ये बात बोलूंगी कि कोई भी लड़की गुणवती ऐसे नहीं होती कि सिर्फ उसे रसोई बनाना आ गया तो हो गई सर्व गुण संपन्न। अरे सर्व गुण संपन्न होने के लिए लड़की को सबका ख्याल रखना पड़ता है, परिवार को किसको क्या चाहिए वो सब देखना पालना पड़ता है। ये सब गुण होते हैं ना, तभी कोई लड़की कहलाती है सर्व गुण संपन्न। मैं सही बोल रही हूँ ना बहन जी? हाँ हाँ बहन जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। केवल अच्छा खाना बनाने से सब कुछ नहीं होता। वैसे परमिंदर, घर में इतनी तबीयत खराब है किसी की तो पहले उसका ख्याल रखना चाहिए ना। और ये परी तो तुम्हारे बहू की दोस्त है, तुम्हारी बहू भी नहीं, फिर तुम इतना भरोसा कर रही हो उस पर? घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां भी दे रखी है। आप सब लोग एक बार मेरी बात तो सुनिए। कोई बात परी, बस कर, अब सुनने के लिए ना कुछ बचा ही नहीं है। और पता है मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था तुझसे ये, इतनी बड़ी गलती कैसे करती तूने? मम्मी जी को गलत दवाइयाँ दे दी यार। नीति मैंने कोई गलत दवाई नहीं दी है, कोई मेरी बात। इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। अभी अभी तूने बोला ना सबके सामने कि मैंने गलत लिफाफे वाली दवाई दी, तो अभी झूठ क्यों बोल रही है? संजू ने तुझे बताया था ना, तो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरी माँ को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। डॉक्टर आइए। आप लोग इतनी भीड़ क्यों लगाए हैं? प्लीज आप लोग हटिए, देखने दीजिए मुझे। आप क्या देखेंगे डॉक्टर साहब, ये सब इसी लड़की की वजह से हुआ है, इसी ने गलत दवाइयाँ दे दी थी इसको, इसके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। आप प्लीज थोड़ी देर चुप हो जाइए। शांत कैसे रह सकते हैं, मेरे से ये कैसे देखा जाएगा? ना ये गलत दवाई देती और ना ये सब कुछ होता था। डॉक्टर आप हैं या मैं? डॉक्टर मैं हूँ तो मेरा काम करने दीजिए प्लीज। आप लोग सारे लोग चुप हो जाइए। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है ना? कब से सो रही हैं ये? डॉक्टर जब मैं इन्हें मेडिसिन देने आई थी ना तब भी ये सो ही रही थी। डोंट वरी, अभी थोड़ी देर में ये जग जाएंगी। मैंने जो इन्हें इंजेक्शन दिया था ना उससे पेशेंट को गहरी नींद आती है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, इसीलिए ये सब हो रहा है। ओके और जो इसने गलत दवाइयाँ दे दी उसका क्या? मैंने कोई गलत दवाई नहीं दी है, मैंने बिल्कुल सही दवाई दी थी। चुप, झूठ मत बोल। तूने ही तो बोला ना संजू को कि मैंने गलत लिफाफे वाली दवाई दे दी, अब ऐसे क्या बात कर रही है तू? अच्छा नीति, ये मम्मी की मेडिसिन है, ये वाला पैकेट दिन में देना है और ये वाला पैकेट रात में। हाँ, जबकि संजू ने सबके सामने बताया था कि कौन से लिफाफे में किस टाइम की दवाई है। हाँ नीति, पर शायद हमारी किस्मत अच्छी थी, संजू ने जब दवाई की स्लिप मेडिकल स्टोर वाले को फॉरवर्ड की थी ना तो उसने गलती से मुझे भी सेंड कर दी थी, इसलिए दवाई देने से पहले मैंने स्लिप अच्छे से चेक की थी, तब मुझे पता चला कि किसी ने ब्राउन वाले पैकेट में दिन वाली दवाई डाल दी है और दूसरे वाले पैकेट में रात वाली दवाई डाल दी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने स्लिप चेक कर लिया था, वरना पता नहीं क्या होता। वैसे भी बाबूजी कहते थे ना कि दवाई देने से पहले ना हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि जरा सी भी गलती बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दैट्स गुड, बहुत सही कहते थे आपके बाबूजी, दवा लेने से और देने से पहले ऑलवेज डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चेक कर लेनी चाहिए। रब दा लक लक शुक्र है, हम सब कितने परेशान हो गए थे। ताई जी, मैं कभी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। वाह परमिंदर वाह, तुम तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, तुम तो परी को बहुत अच्छी तरह जानती हो, इंसानों की अच्छी परख है तुम्हें। मैं ना आपसे हमेशा कहती थी कि परमिंदर जी आपके पद के लिए सबसे अच्छे हैं। बिल्कुल सही कहा। मेरे मुंह की बात छीन ली तूने। हाँ अच्छा परमिंदर, अब हम निकलते हैं। शुक्रिया आने के वास्ते। अब संभाल लेना तुम सब। सिमी हाँ, निभार तक छोड़ा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं भी चलती हूँ।
बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगी। आप लोग को कोई भी जरूरत हो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। डॉक्टर आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता। तो सोई नहीं अभी तक? बस सोनी जा रही थी। तू वहां क्यों खड़ी है? अंदर आना। अरे मुझे कुछ कहना है तुझसे। हाँ तो बोलना, ऐसे पूछ क्यों रही है? सॉरी यार परी। सॉरी? मैं किस लिए, क्या हो गया? जो आज हुआ ना, नहीं होना चाहिए था। मुझे तुझ पे अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए था परी। पता नहीं कैसे मैं इतना बुरा भला बोल गई तुझे। कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में कभी इतना चिल्लाऊंगी तुझ पे। मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी। कैसी बातें कर रही है? कोई बात नहीं। और तूने मुझे जो कहा ना, बिल्कुल सही कहा। मुझे बुरा नहीं लगा, उल्टा मुझे अच्छा लगा कि तुझे कितनी फिक्र है इस घर के लोगों की, इस घर की। तू इस परिवार से ऐसे जुड़ गई है जैसे ये तेरा अपना परिवार हो। और तू बहू है इस घर की नीति। अगर तुझे अपनी सास की, संजू की माँ की चिंता नहीं होगी तो फिर किसे होगी? और ये तो एक अच्छी बहू होने की निशानी है नीति, जो अपनी सास को अपनी माँ समान मानती है। उन्हें कुछ भी हो जाए ना तो वो किसी से भी लड़ जाती है, फिर चाहे वो उसके बचपन की सहेली क्यों ना हो, है ना? तुझे सच में बुरा नहीं लगा कि मैंने इतना कुछ बोल दिया तुझे? वही बुरा क्यों लगेगा? बुरा तो दूसरों के बातों का माना जाता है, और तू तो मेरी जान है ना, तेरी बात का कैसे बुरा लग सकता है मुझे? हाँ नीति, तूने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है, हर मुसीबत में मेरे साथ मेरी ढाल बन के खड़ी रही है तू। तेरी बात का कैसे बुरा मान सकती हूँ मैं? हाँ तो बहुत खुश हूँ तेरे लिए। पर तूने तो मुझसे मेरी खुशी छीन ली भरी। क्या क्या कहा तूने? यही कि अब तो मेरी अपनी नहीं रही है परी। नीति वही क्या क्या हो गया तुझे? मैं तेरी अपनी नहीं रही मतलब? वही हम बचपन की सहेलियां हैं, बहनों से भी बढ़कर है हमारा रिश्ता। पर भरी टाइम के साथ साथ ना ये रिश्ते बदल जाते हैं। इनका वजूद, इनकी इम्पोर्टेंस, सब कुछ बदल जाता है। नीति तूने जो मेरे सर पे बोझ डाल दिया उसका क्या? क्या मतलब? तूने कहा ना कि वक्त के साथ कुछ रिश्ते बदल जाते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस बदल जाती है। तो क्या सच में हमारा रिश्ता बदल गया? क्या सच में तो मुझे अब अपना नहीं मानती? तुझे पता है नीति, मैं ना रब से सिर्फ यही अरदास करती हूँ कि हमारा रिश्ता, हमारी दोस्ती ना हमेशा ऐसे ही मजबूत बनी रहे। ये संजू बेड पर कैसे सो गया? इसे तो काउच पर सोना था ना। जगाती हूँ इसे। कितने सुकून से सो रहा है संजू। थक भी तो जाता होगा दिन भर, कितना कुछ मैनेज करता है, ऑफिस जाना, साइट पर जाना और फिर थक कर घर आना। घर आकर भी अगर सुकून की नींद ना मिले तो फिर सही नहीं है ना। आज ही सोने देती हूँ उसे। नीति, वो सॉरी एक्चुअली मैं बुक पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। मैं सोफे पे सो जाता हूँ, तुम बेड पे सो जाओ। नहीं नहीं आज तुम यही बेड पर सो जाओ। सच में तुम सच में चाहती हो कि मैं सो जाऊं?
हाँ कहा ना सो जाओ, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए।